अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। गर्मियों की छुट्टी के बाद मुख्य न्यायाधीश समेत तीन जजों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। बीते कई दशकों से सियासत का अखाड़ा बने अयोध्या के राम मंदिर पर सुनवाई फिर से शुरू हो गई है, लेकिन इस बार की सुनवाई कई मायनों में खास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया है, जिसके बाद ये लगभग तय हो गया है कि दशकों से सियासी खींचतान का केंद्र बने राम मंदिर पर फैसला जल्द आ सकता है। राम मंदिर पर सुप्रीम सुनवाई, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट रोज करेगा सुनवाई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीर करेंगे सुनवाई। 17 मई को विशेष पीठ ने हिंदू संगठनों की सुनी थी दलीलें। मुस्लिमों ने 1994 के इस्माइल फारूकी के फैसले पर जताई थी आपत्तियां। 1994 के फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजने जाने की थी मांग। 1994 के फैसले में मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं माना गया। इससे पहले 17 मई को पीठ ने मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। वहीं 17 मई को मुस्लिम पक्षकारों की ओर से दलील पेश की गई थी कि 1994 के इस्माइल फारूकी के मामले में आए फैसले में कुछ निष्कर्षों पर आपत्ति जताई थी। उसमें कहा गया है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। उनका कहना था कि ऐसे इस फैसले में एक बार फिर से परीक्षण की जरूरत है, इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजा जाना चाहिए। इस पर हिंदू पक्ष की दलील थी कि वह मुद्दा जमीन अधिग्रहण के संबंध में था। मौजूदा मामला टाइटल विवाद है, ऐसे में उस फैसले को इस मामले से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मामले को संवैधानिक पीठ को नहीं भेजा जाना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2010 में उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से अयोध्या की विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांटने के आदेश दिए थे, लेकिन दोनों पक्षों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। कुलदीप द्विवेदी, जनतंत्र टीवी।